एपिसोड की शुरुआत में यूटन की आंट आई होती है मिस चैंग से बिजनेस करने। मिस चैंग कह रही होती है, आपका स्वागत है हमारी कंपनी में। यूटन की आंट कह रही होती है, मिस चैंग मैं एक सीधी साधी औरत हूँ, मैं यहाँ क्यों आई उसका कारण सरल है, मैं इस शर्त के साथ आपका सहयोग करना चाहती हूँ, यूटन के साथ सगाई तोड़ दो। तभी मिस चैंग खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या? यूटन की आंट कहती है, शांत हो जाओ मिस चैंग, पहले एग्रीमेंट को तो पढ़ लो। मिस चैंग एग्रीमेंट को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है इस एग्रीमेंट के दौरान मिस चैंग को 300 मिलियन मिलेंगे। यूटन की आंट कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सगाई टूटने वाली है, मैं बस इसे तेज करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। मिस चैंग तुम समझदार हो, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। मिस चैंग कहती है, आप ये फैमिली के होने के बावजूद आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगी। यूटन की आंट कहती है, मुझे अपने मंगेतर की परवाह करने के लिए कह रही हैं? मुझे ये उम्मीद नहीं थी मिस चैंग आपसे। मिस चैंग कहती है, आपसे इन सब से कोई लेना देना नहीं, आप बस उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है ना। यूटन की आंट जाते हुए कहती है, मिस चैंग तुम भले ही दिमाग से ताकतवर हो लेकिन तुम समाज में बने रहना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मुझे याद दोपहर में चाहिए, मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। मिस चैंग यूटन की आंट को जाते हुए देख रही होती है और जल्दी वो फाइल को बैग में रख देती है और कहती है, मेरा डिवोर्स का एग्रीमेंट गायब हो गया। और अचानक यूटन की आंट आ गई, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे घर जाकर जल्दी वो एग्रीमेंट ढूंढना होगा, और वहां से जाने लगती है। तभी मिस चैंग के सामने उसकी सिक्योरिटी होती है और उसके दो पीछे लॉयर होते हैं। मिस चैंग सिक्योरिटी कह रही होती है, मिस चैंग आप कहां जा रही है, ये दोनों लॉयर आपसे बात करना चाहते हैं। लॉयर कहता है, मिस चैंग ये कंपनी ट्रैक्सिन ट्रेंडिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई है मिस्टर यूटन द्वारा। मिस चैंग कहती है, ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दी गई? लॉयर कहता है, आपने मिस्टर ये यूटन साथ डिवोर्स कर लिया है तो अब आपको इस कंपनी से निकाला जाए। मिस चैंग कहती है, मगर मैंने अभी भी डिवोर्स के पेपर में सिग्नेचर नहीं किया है। वो लॉयर कहते हैं, ये रहा आपका डिवोर्स का पेपर। तभी मिस चैंग वो डिवोर्स पेपर ले लेती है और कहती है, मेरा डिवोर्स पेपर आपके पास क्या कर रहा है? और उसमें देखती है मिस चैंग और यूटन का सिग्नेचर हुआ होता है डिवोर्स पेपर में। मिस चैंग साइन देख के शॉक हो जाती है और कहती है, ये मेरा साइन नहीं है, ये फर्जी है। तभी लॉयर कहता है, मिस चैंग अगर आपको लगता है ये सिग्नेचर नकली है तो आप आवेदन डाल सकती है। मिस चैंग उन दोनों के बीच से भागने लगती है, उसके आंखों में आंसू भी होता है। ऐसे करते हुए कंपनी के बाहर आ जाती है। कंपनी के बाहर बारिश हो रही होती है, बारिश के बीच मिस चैंग भाग रही होती है और कह रही होती है, कमीने यूटन तुम कहां हो, मेरे सामने आओ, बताओ कि क्या है ये सब। तभी मिस चैंग का पैर एक पत्थर पर टकराता है और नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद वो थोड़ी उठती है और रोने लगती है और कह रही होती है, ये मैंने नहीं किया, वो मेरा सिग्नेचर नहीं है। तभी वहाँ ओयांग आ जाता है छाता लिए हुए और कह रहा होता है, कैक्सिन क्या हुआ? बगल में यूटन खड़ा होता है, उन दोनों को देख रहा होता है दूर से और कहता है, सब खत्म हो गया है मेरे भाई, तेरी मंगेतर अब किसी और की हो गई है, माफ करना लेकिन मैं भावनाओं को जबरदस्ती नहीं बदल सकता। तभी यूटन को कोई रोक लेता है और वो कोई नहीं मिस चैंग की सिक्योरिटी होती है जो कह रही होती है, ए वहीं रुक जाओ, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मिस चैंग के साथ, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? यूटन कहता है, क्या ये वो नहीं है जिसकी सभी को उम्मीद थी? मिस चैंग की सिक्योरिटी कहती है, मैं मिस चैंग के साथ हूँ मगर वो अब उदास दिखती है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसने डिवोर्स पर सिग्नेचर नहीं किया लेकिन तुमने क्यों किया? यूटन शॉक होते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या कि मिस चैंग ने डिवोर्स पर सिग्नेचर नहीं किया? ऐसा नहीं हो सकता, डिवोर्स का पेपर मेरे पास सुबह आया था, मैंने देखा कि मिस चैंग ने डिवोर्स के पेपर में सिग्नेचर कर दिया तो मैंने भी सिग्नेचर कर दिया, वैसे भी जो हो गया है सो हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है मिस चैंग की सिक्योरिटी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। तभी सीन कट होता है, हमें यूटन दिखाया जाता है जो डॉक्टर वू के साथ जा रहा होता है कहीं, और अगल बगल के लोग बंदूक लेके खड़े होते हैं और यूटन डॉक्टर वू से कह रहा होता है, आपने कहा कि मैं यहाँ पैसे कमा सकता हूँ लेकिन ये डरावना है, वैसे पृथ्वी पर आपका कौन सा रोगी है? मिस्टर वू कहते हैं, मैं केवल आपको बता सकता हूँ कि उसका नाम निंग है और मैं इससे ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता। यूटन अंदर जाते हुए देखता है एक आदमी और एक लड़का और वहाँ पे एक ओल्ड मैन जो बेड पे लेटा होता है। यूटन ओल्ड मैन को देख रहा होता है, बगल खड़ा आदमी मिस्टर वू से बोल रहा होता है कि यही है सभी डॉक्टरों का गुरु। तभी यूटन उस ओल्ड मैन के बारे में बताने लगता है, वो आदमी ये सुनने के बाद कहता है, इस आदमी में कुछ तो बात है। तभी वो आदमी यूटन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम अपने सक्सेस रेट के बारे में बताओ। यूटन कहता है, मेरी मेडिसिन और मसाज टेक्निक से मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे लेकिन इसका बहुत खर्चा आएगा। मिस्टर वू कहता है, कितना लालची इंसान है, क्या ये भूल गया बाहर खड़े सैनिक जो बंदूक लेके खड़े हैं? तभी वो लड़का आता है, कहता है, ये लीजिए आपका 5 लाख का चेक। वो आदमी कहता है, ये काम खत्म होने के बाद ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तभी यूटन कहता है, जाओ एक पेपर और पेन लेके आओ। फिर यूटन वो दवाई को पेपर में लिख देता है और उस आदमी को देते हुए कहता है, जाओ इस दवाई को उबाल के लेते आओ और एक मेरे लिए टॉवल लेके आओ। तभी हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यूटन उसी टॉवल से उस ओल्ड मैन को साफ कर रहा होता है। यूटन कहता है, मुझे लगता है अब इसे स्पेशल टेक्निक से मसाज देना होगा। ऐसे करते करते रात हो जाती है। यूटन अपने हाथ पोंछते हुए कहता है, चलो आज का काम खत्म हो गया, इसे दिन में 3 बार दवाई देना मत भूलना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 1-2 महीने में बेहतर हो जाएगा। तभी सीन कट होता है जहाँ यूटन और मिस्टर वू जा रहे होते हैं और मिस्टर वू यूटन की तारीफ कर रहे होते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर है, मुझसे भी बेहतर, सुनने में आया है कि आपकी मंगेतर से सगाई टूट गई है। यूटन कहता है, ऐसे ही बात कोई सुनने में नहीं आ जाती, बात क्या है मुझे बताओ। तभी मिस्टर वू अजीब सा मुंह बना लेते हैं और कहते हैं, मेरी एक पोती है जो बहुत अच्छी दिखती है, क्या तुम उसे शादी करना पसंद करोगे? यूटन कहता है, उसका साइज क्या है? मिस्टर वू साइज बता रहे होते हैं, यूटन मन में सोच रहा होता है। मिस्टर वू यूटन को खाने बुलाते हैं, यूटन
फिर कभी कह के चला जाता है। और अब तो मुझे इसकी स्माइल देख के हर डॉक्टर डेविल लगता है और ये कह रहा होता है ये बहुत समझदार है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटन सो रहा होता है और अच्छे अच्छे सपने देख रहा होता है। तभी कोई यूटन के दरवाजे पे दस्तक देता है जिससे यूटन जाग जाता है और कहता है लानत है, इतनी आधी रात को कौन मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। यूटन दरवाजा खोलते हुए कह रहा होता है कौन है, तुम्हें नहीं पता कि मैं सुंदर लड़कियों के सपने देख रहा हूँ। यूटन दरवाजा खोलता है तो सामने एक लड़की होती है। वो लड़की यूटन को कह रही होती है कपड़े पहन लो अपने। वो लड़की कहती है दोबारा अपने कपड़े पहन लो। यूटन कहता है क्या तुमने कभी लड़के को ऐसे देखा है। तभी अचानक ही यूटन पीछे गिर रहा होता है और हमें पता चलता है उस लड़की ने बड़ी कमाल की किक मारी होती है जिससे यूटन पीछे जाके गिर जाता है। यही के साथ डॉक्टर डेविल एपिसोड 49 और 50 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अच्छी लगे तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।